हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार और आप सभी को का इस विश्वास बैच, ठीक है, टारगेट 2025 को लेकर। आज का हमारा टॉपिक का नाम है किरचॉप्स लॉ। आप सभी को का सपोर्ट बना हुआ है, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल आपका अपना है, बड़ा कीजिए। बार बार बता रहे हैं कि जो नए पहला बार शायद वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि यहाँ पर हम लिखेंगे बहुत ज़्यादा कम। इसका प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम में भेजा जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछना होगा उसके लिए इंस्टाग्राम हैंडल के लिए लिंक दिया हुआ है आपको। ओके, तो आज हम लोग बात करते हैं किरचॉप्स लॉ को लेकर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ किरचॉप्स लॉ? काफ़ी शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत मज़ा आने वाला है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ किरचॉप्स लॉ? एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, या और अच्छे से बोलना है तो बोलिए फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था किरचॉप। उन्होंने किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जटिल उलझा हुआ यदि कोई सर्किट है, तो वैसे सर्किट में किरचॉप नाम के साइंटिस्ट ने जो रूल दिया था उसके मदद से आप करंट एंड वोल्टेज किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। मतलब यदि कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो प्यारे बच्चों, वैसे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट और वोल्टेज का वैल्यू को जानने के लिए किरचॉफ के नियम का यूज किया जाता है। मतलब किरचॉफ्स लॉ के मदद से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट का करंट और वोल्टेज का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। किरचॉफ्स लॉ क्या है? किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने दो लॉ दिए थे। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और 100% ऑलमोस्ट आशा है कि इससे एक दो ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा ही, कभी कभी सब्जेक्टिव भी पूछता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसके चार नाम हैं। इसको हम लोग चाहें तो करंट रूल बोल सकते हैं, करंट रूल। इसको यदि हम लोग चाहें तो पॉइंट रूल बोल सकते हैं, और इसको हम लोग चाहें तो जंक्शन रूल बोल सकते हैं। देखिए, हम लिख के समय को जाया नहीं करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? इसका स्टेटमेंट होता है प्यारे बच्चों कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत धीरे बोल रहे हैं, कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी सर्किट के किसी भी पॉइंट पर जितने भी करेंट्स मिलते हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो हमेशा जीरो होता है। मैथमेटिकली इसको हम लोग दिखा सकते हैं। देखो, इसको सिग्मा पढ़ेंगे, सिग्मा आई बराबर जीरो। ये किरचॉफ्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। और एक इंटरेस्टिंग तरीका से बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताते हैं जल्दी समझने के लिए। किसी भी पॉइंट पर टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग मतलब किसी भी पॉइंट पर टोटल जितना इनकमिंग होता है करंट का, उतना ही टोटल आउटगोइंग भी होता है। और इसी बात को किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर आया I1 और I2 और यहाँ से चला गया I3 और I4। तो किरचॉफ्स के पहले नियम से किसी भी पॉइंट पर टोटल जितना करंट का इनकमिंग होता है उतना ही करंट का आउटगोइंग भी होता है। तो देन इसको हम लोग बोल सकते हैं I1 प्लस I2। देखिए, ये आया था इनकमिंग I1 प्लस I2, और आउटगोइंग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, I3 प्लस I4। तो किरचॉफ्स के नियम से हम लोग ये जानते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आ रहा होगा करंट, उतना ही करंट वहाँ से जाता है। दिस इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसके बाद बच्चा लोग हम लोग बात करेंगे तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किरचॉफ सेकेंड लॉ के बारे में। देखिए, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, अभी देखिए ये क्या है। इसका भी चार अलग अलग नाम है। एक होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लूप रूल, LOOP, लूप रूल, या आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं मेस रूल,
या यदि आप चाहें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज रूल। एक चीज़ गौर करने वाला बात है बाबू कि जो पहला नियम है वो करंट के बारे बात करता है और जो दूसरा नियम है वो वोल्टेज के बारे बात करता है। पहला नियम करंट के बारे बात करता है और दूसरा नियम वोल्टेज के बारे बात करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ? तो किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ के बारे बोला जाता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs ऑफ सेल्स एंड द इंटरनल रेसिस्टेंस द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेसिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब सेल का जो EMF है, क्या बोले, सेल का जो EMF है और जो इंटरनल रेसिस्टेंस हो सकता है उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर एक बात है कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हम लोग, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस का ही बात करें। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि द समेशन ऑफ ऑल द EMF ऑफ सेल्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस। कहे कि इंटरनल रेसिस्टेंस बोलिएगा तो फिर वो सेल के अंदर जाना पड़ेगा। दो चीज़ बोल रहे हैं, सम ऑफ किसका, EMFs ऑफ ऑल द सेल्स एंड TPD लिख रहे हैं। TPD मतलब समझ जाइएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंसेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब इसको हम मैथमेटिकली यदि आपको बोलेंगे, देखिए ये समेशन ई और EMF प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, ई प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। देखिए इसको थोड़ा हमको जैसा लग रहा है कि शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर एक बार इंटरनल बोले ऐसा क्या बोले, हम आपको एक बार में समझा देते हैं। किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ बताता है, एकदम फ्रेश माइंड से सुनिएगा, कि द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs ऑफ सेल्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंसेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि जो पहला किरचॉफ का नियम है, फर्स्ट लॉ, ये बहुत VVI है जो अभी बता रहे हैं, इधर VVI जो फर्स्ट लॉ है वो डिपेंड करता है, मतलब वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, बहुत ध्यान से, सॉरी सेकेंड लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर और जो फर्स्ट लॉ है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये एकदम VVI है, बहुत ध्यान से देखिएगा। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है और जो पहला नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम से सुनिए कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है। तो स्टूडेंट्स, ये दो जो हम VVI वर्ड लिखे ना, इस पर प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ्स का जो पहला नियम है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे और किरचॉफ्स का जो दूसरा नियम है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था जिसमें हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात किया कि किरचॉफ्स का पहला नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है। जानकारी के लिए बता देते हैं कि पहला नियम करंट को डेडिकेटेड है, दूसरा नियम वोल्टेज को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ाई करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को बड़ा कीजिए, आपका अपना चैनल है। बाकी किसी भी तरह का नॉलेज चाहिए होगा आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।